सकलैन कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। ये बताइए कि पूरी दुल्हन की तरह इस मार्केट को सजाया गया है, काफी ज्यादा तैयारियां, काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस, और फाइनली वो आज दिन आ चुका है जहां पे G20 डेलीगेट्स यहाँ आएंगे, हर एक शॉप में जाएंगे, यहाँ के कल्चर से, यहाँ की जो वो नुआंसेज हैं, छोटी छोटी चीजें, उनसे वाकिफ होंगे। तो कैसे देख रहे हैं आप इसको, क्योंकि आप काफी करीब से रहे, आप SKICC में भी थे, तो कैसा लग रहा है अभी? हम लोग बहुत एक्साइटेड है, पिछले एक दो दिन से हम लोग उनका वेट कर रहे हैं। Thankfully, today is the day when they'll come, and we are very happy. We are here. We will welcome them with the open hearts. So, as आपको पता है कि मतलब it is majorly for the tourism sector and the economic thing. So, we are very happy. वो लोग आएंगे, so हमारा जो business है वो boom हो जाएगा, एक international fame मिल जाएगी इस market को, though it has been renowned internationally as well. But जितना ज़्यादा मिलेगा उतना हम लोगों के लिए अच्छा है। 40 साल पहला फील आ रहा है, जैसे 40 साल पहले का एक फील था वैसा ही है। हाँ, फर्क ये है कि आज कंटेम्प्रेरी है, मिक्स ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट। जी, उसको कैसे देखते हैं आप? आप देखिए, जैसे इट वाज ऑलरेडी द मार्केट वेयर वी यूज टू हैव मेजरली द इंटरनेशनल टूरिस्ट। अब आज जो है पोलोवेव में आप देखेंगे कि हमारे लोकल लोगों का आना भी बहुत ज्यादा हो गया है, नेशनली भी आते हैं, और होपफुली G20 के हिसाब से उनके बाद इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आ जाएं। सो वी आर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड अबाउट इट, क्योंकि एक साल हमारा रहा था व्हेन दिस मार्केट वाज गेटिंग रिमॉडल्ड। अभी बन गया है, थैंकफुली बहुत अच्छा हो गया है, वायरिंग हट गई है, हमारा ड्रेनेज, जैसे आप देखेंगे अभी बारिश है, पहले ड्रेनेज में बहुत पानी यहां जमा होता था, अब वैसा कुछ भी नहीं है। सो वी आर वेरी हैप्पी एक्साइटेड टू वेलकम देम। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि G20 जो है, इट हैज चेंज द एंटायर सिनेरियो ऑफ द श्रीनगर। वेल यस, इफ यू सी रिसेंटली दिस मार्केट हैज बीन रीडिजाइंड। यू टॉक अबाउट जस्ट 2 to 3 days अगो दे हैव इनॉग्रेटेड द रिवर फ्रंट, यू टॉक अबाउट दिस मौलाना आजाद रोड, इट इज गेटिंग रिमॉडल्ड, यू टॉक अबाउट द रेजिडेंसी रोड एंड अदर एरियाज एज वेल। सो यस, इट हैज बीन समथिंग बिकॉज ऑफ विच वी सी अ गुड डेवलपमेंट हैपनिंग एंड विच इज गुड फॉर एवरी वन। और बिजनेस पर्सपेक्टिव से G20 को ओवरऑल कैसे देखते हैं? ना ही खाली हम हैंडीक्राफ्ट की बात करें, आपने देखा होगा हाल ही में फिल्म टूरिज्म को काफी ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, इको टूरिज्म को काफी ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। राइट, जैसे आप देखेंगे कि बॉलीवुड यहाँ पे रिसेंटली आया था, द किंग ऑफ बॉलीवुड वाज हियर रिसेंटली, सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारा मार्केट भी उसमें आ जाए। सो अ पॉजिटिव मैसेज टू द बॉलीवुड इज गोइंग दैट द शूटिंग इज गोइंग ऑन एंड स्टिल दे आर प्लानिंग टू कम हियर। रिसेंटली वो मैंने G20 का एक इवेंट में देखा था, द किंग ऑफ बॉलीवुड हैज सेड कि कश्मीर में आई फील वेरी हैप्पी। सो दैट इज अ गुड थिंग, अ गुड साइन फॉर एवरी वन ऑफ अस कि अगर पीस होगी, but that would be really good. Shukriya. Yeah.